नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंडला में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का हुआ गरिमामय समारोह पूर्वक आयोजन। समारोह में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस जिले भर में हर्षोल्लास पूर्वक एवं धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस जिले का मुख्य समारोह महात्मा गांधी क्रीडांगण में आयोजित किया। समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह ने ध्वजारोहण किया एवं परेड की सलामी ली। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के साथ परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। कलेक्टर ने तिरंगे के प्रति 3 रंगों के गुब्बारे मुक्त आकाश में छोड़े। जिले में महिला साक्षरता के लिए किए जा रहे विशेष कार्य निरक्षरता से आजादी अभियान में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं ने भी गुब्बारे को आकाश में छोड़ा। इस मौके पर सशस्त्र बलों ने हर्ष फायर किया और पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। इसके बाद मध्यप्रदेश का गान का गायन किया गया। समारोह में सशस्त्र बलों और प्लाटूनों के द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट में SAF-3-5B जिला पुलिस बल, जिला महिला पुलिस बल, होमगार्ड एवं वन विभाग के दल सम्मिलित हुए। परेड नेतृत्व श्री RI कमलेश परस्ते ने किया। मुख्य अतिथि श्रीमती हर्षिका सिंह ने महात्मा गांधी जिला स्टेडियम में आयोजित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा शासन की जल कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों पर केंद्रित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर महोदया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में मीना मसराम ने आभार व्यक्त किया। महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी जी, जिला न्यायाधीश नगरपालिका अध्यक्ष पूर्णिमा शुक्ला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा, CEO जिला पंचायत तन्वी हुड्डा, नगरपालिका उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।